अगर हमारी वाणी पवित्र नहीं है तो हम उपासना के पहले ही सोपान पर फेल हो गए। जिस वाणी से हमें नाम मंत्र सिद्ध करना है वो वाणी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। जब तक आपका हृदय प्राण मन वाणी ये पवित्र नहीं होंगे तब तक आप भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो पवित्रता के लिए इसका त्याग किया गया है, प्याज लहसुन का भगवत प्राप्ति की पवित्रता के लिए त्याग किया गया है। ये कोई हिंसात्मक दोष वाला नहीं है, पर ये तमोगुणी है तो तमोगुणी का त्याग करके सतोगुण का सेवन करते हुए वो गुणातीत अवस्था में पहुंचना, इसलिए इसका त्याग अत्यंत अनिवार्य है। और केवल ये दो अंगुल जबान की बात है, गले के यहां से गया ना वो खट्टा मीठा सब बेकार हो गया, मल बन जाएगा। इसी की केवल इसको स्वाद दो हरिनाम का राधा नाम का, ये चटोरेपन का त्याग करो। ये ज्यादा चटुरापन रजोगुण तमोगुण प्रकट करके भोग वासनाओं में भ्रमित करता है। एक बार जिस रसोई में मांस बन गया उसमें खीर पूरी बना के आपको दी जा रही कि ये बड़ा सात्विक भोजन, हम नहीं पा सकते उस रसोई का, क्योंकि रसोई ही अशुद्ध हो गई। जहां एक बार मांस राना गया वो पात्र वो रसोई अब हमारे योग्य नहीं रही। माता पिता की सेवा, बूढ़े बूढ़ों की सेवा, रोगी की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, किसी की सेवा, भगवान की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, किसी की भी भगवत भाव से सेवा की जाए तो शरीर बहुत जल्दी पवित्र होता है। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नाम जब चल रहा है, गुण कीर्तन चल रहा है, सेवा चल रही है, साधु संग, भक्त चरित्र, भक्त नाम, अन्यथा हमारा समय व्यर्थ माना जाएगा। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जितना जपा जो चाहिए खरीद लो। अगर कुछ और नहीं खरीदोगे तो हरि को खरीद लोगे। जैसे एक गरीब आदमी को रुपया कमाने का उत्साह होता है कि अगर हम दो घंटे और कर लेंगे तो इतना रुपया हमको मिल जाएगा, ऐसे भजनोत्साह होना चाहिए। बोलना सीखो, यदि भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे प्रभु सत्य नारायण है, सच्चिदानंद है, सत्य व्रतम सत्य स्वरूप है वो। इसलिए वाणी से हमारी प्रार्थना है हर साधक से, झूठ बोलने का अभ्यास छोड़िए। जो भी होना होगा, हमसे गलती हुई हमको दंड दे दो। कितना दंड दोगे? मृत्यु से बढ़कर कोई दंड नहीं। हम मृत्यु को स्वीकार किए हुए भगवत मार्ग के पथिक है। हम झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं बोलना, कपट भरे वचन नहीं बोलना, अहित कटु कड़ुए शब्द परुख वचन, निंदायुक्त किसी की निंदा नहीं, उद्वेग बोला सामने वाले का हृदय जलने लगा, ऐसे वचन का त्याग करना है। पहला प्रेम प्राप्ति के लिए यह नियम है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहरान। सहसा मत बोलो, पहले वाणी को तौलो हृदय में विवेक के तराजू पर, ये जाकर दूसरे का हित मंगल करेगी कि नहीं करेगी। अगर हमारी वाणी पवित्र नहीं है तो हम उपासना के पहले ही सोपान पर फेल हो गए। जिस वाणी से हमें नाम मंत्र सिद्ध करना है वो वाणी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण, अहितकारी कटु वचन, परुख वचन, निंदायुक्त वचन और सांसारिक वार्ता, इसका त्याग कर दे। यदि प्रेम मार्ग में जाना है तो लीला भगवन नाम गुणों का गान करे नित सह अनुराग। वाणी को पावन करना है भगवान के पावन नाम का जप, नाम का कीर्तन और लीला गुणों का गायन, जैसे श्रीमद चतुरासी जी 42 लीला, श्रीमद भागवत, ये जब हम लीलाएं गान गायन गाते हैं तो हमारे हृदय के सारे मोहमल का नाश हो जाता है, पाप का नाश करके एकदम हृदय निर्मल होने लगता है। सच्ची मानिए, भगवत चर्चा करते करते भगवान की झांकी आने लगती है। आप एकांत में कभी श्रीमद भागवत पढ़िए, मनन कीजिए, रोना आ जाएगा। एकांत में चतुरासी जी को बार बार गाइए, झांकी आने लगेगी। जो पदों में लीला छुपी है वो प्रकाशित होने लगेगी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। सत्य बोलो, हितकर बोलो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली बात बोलो, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत लीला गुणगान करो, ये वाणी की तपस्या हो गई, ये वाणी की पावनता हो गई। और जो अपावन बात कही गई वो वाणी की त्याग दो। ग्राम कथा, लोक कथा, राजनीति की कथा, भोग कथा, ये सब छोड़ दे। किसी से किसी भी तरह का राग द्वेषात्मक वार्ता ना हो। मन से काम क्रोध लोभ के वेगों का करके परिहार, वाणी पहला। अब दूसरा कह रहे हैं कि मन, बड़ा योगदान है साधना में मन का। विषयों में लगा हुआ मन शत्रु है और प्रभु के चरणारविंद में लगा हुआ मन मित्र है। मन प्रभु में लग गया तो विश्व विजयी हो गए। जिसका मन
सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में जा रहा है मन स्वाभाविक। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत जन्मों की उसकी सुकृत फलीभूत हो गए, साधना फलीभूत हो गई। जो विषयाकार मन था वो भगवदाकार हो गया, जो विषयों का अवलंबन लिए था वो नाम रूप लीला का अवलंबन लेकर प्रेम में डूबने लगा। भगवत मार्ग में चलने वाले को तमोगुणी आहार का त्याग कर देना चाहिए। ये सब अभक्ष्य पदार्थ तो दूर ही हैं, प्याज लहसुन में कोई हिंसात्मक दोष नहीं पर घोर तमोगुण प्रकट करता है, इसलिए इसका त्याग किया गया है। जहां आलू प्रकट होती है, जहां कंद शकरकंद प्रकट होती है, जैसे जैसे मूली गाजर प्रकट होती है, ठीक वैसी उसी खेती में उसी जगह में ये प्याज लहसुन प्रकट होता है। इसके प्रकट होने की प्रक्रिया कोई अपवित्र नहीं है, ये खेतों में प्रकट होता है। लेकिन ये घोर तमोगुणी है, ये भजन में बहुत बाधक है। जब तक आपका हृदय प्राण मन वाणी ये पवित्र नहीं होंगे तब तक आप भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो पवित्रता के लिए इसका त्याग किया गया है, प्याज लहसुन का भगवत प्राप्ति की पवित्रता के लिए त्याग किया गया है। ये कोई हिंसात्मक दोष वाला नहीं है, पर ये तमोगुणी है तो तमोगुणी का त्याग करके सत्वगुण का सेवन करते हुए वो गुणातीत अवस्था में पहुंचना, इसलिए इसका त्याग अत्यंत अनिवार्य है। और कहीं भी किसी भी ठाकुर जी को कभी भी कोई भी भोग नहीं लगाता प्याज लहसुन का, अगर लगाता है तो ये अपराध है। आज तक कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि कहीं सात्विक पुरुषों ने इसको पाया हो या ठाकुर जी को भोग लगाया गया हो। इसलिए इस तमोगुण प्रदान करने वाले प्याज लहसुन का भी त्याग कर दे। और कह रहे हैं करे चटूरेपन का त्याग, प्राण को शुद्ध करने के लिए ये बाजारू चीजें खाने की जो चटोरापन बन गया है वो प्रेम प्राप्ति की ठीक वृत्ति नहीं है। कि आप बाहरी चीजें, आपको अगर भोग ही लगाना है तो आप अपने घर में जो रूखा सूखा बनाइए भाव से भोग। ये केवल ये दो अंगुल जबान की बात है, गले के यहां से गया ना वो खट्टा मीठा सब बेकार हो गया, वो मल बन जाएगा। इसी की केवल इसको स्वाद दो हरि नाम का राधा नाम का, ये चटोरेपन का त्याग करो। ये ज्यादा चटोरापन रजोगुण तमोगुण प्रकट करके भोग वासनाओं में भ्रमित करता है, ये ऐसा नहीं। बहुत सावधानी सात्विक, केवल पेट भरना है उतना जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए तो हमारे प्राण पवित्र हो जाते हैं। पानी और अन्न ये सब प्राणों का पोषण करने वाले हैं, वायु प्राण पोषण, अन्न प्राण पोषण, जल प्राण पोषण। तो हमारा वातावरण, हमारा जल, हमारा अन्न बहुत बड़ा प्रभाव करता है भजन में। तो कह रहे हिंसा में तो कोई सतमार्ग में चलने वाला भोग ऐसा आहार पाएगा ही नहीं जिससे मांस है, मछली है, अंडा है, ये कदापि नहीं। फिर अशुद्ध भोजन, तमोगुणी भोजन, प्याज लहसुन आदि पड़े हुए, या एक बार जिस रसोई में मांस बन गया उसमें खीर पूड़ी बना के आपको दी जा रही कि ये बड़ा सात्विक भोजन, हम नहीं पा सकते उस रसोई का, क्योंकि रसोई ही अशुद्ध हो गई। जहां एक बार मांस रांधा गया वो पात्र वो रसोई अब हमारे योग्य नहीं रही। अशुद्ध भोजन का और करे चटोरेपन का त्याग। ये देखो शीशा के अंदर सामग्री बहुत अच्छी सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन जब बनाई गई है तो बनाने की प्रक्रिया और बनाने वाले का भाव, बनाने वाले की शुद्धता, कहीं कोई शुद्धता नहीं। जानवरपन स्वभाव में बैठा हुआ है, कोई बिरला है कि थोड़ा सात्विक भाव, नहीं तो अशुद्धता ही अशुद्धता है। आप देख लो तो आप खाओगे नहीं। पर वो आज का समय हो गया है कि केवल बुद्धि रसेंद्री जनेंद्री के भोगों में तृप्ति का अनुभव करने वाली, इसलिए पवित्रता पवित्रता का तो निर्णय ही नहीं कर सकती। सादा शुद्ध सुभोजन सात्विक, करे स्वाद का तज कर राग। सादा भोजन हो, सात्विक हो, और वो प्रभु को अर्पित किया हुआ प्रसाद हो, और अल्पाहार हो, अधिक भोजन नहीं। क्यों डालोगे व्यर्थ में पेट में, क्यों व्यर्थ में डालोगे? तुमको कोई कुश्ती लड़ना है क्या जाके? अरे तुम्हें काम क्रोध आदि को पछाड़ना है तो उनके लिए अल्प आहार, इतना अल्प ना हो कि भोजन का चिंतन हो, और इतना ज्यादा ना हो कि पेट में वजन नजर आवे। सात्विक कम स्वाद वाला और भगवत प्रसाद अर्पित किया हुआ भोजन, इससे आपका प्रेम मार्ग पुष्ट होगा, प्राण पवित्र होंगे। अब तन, पहले वचन, फिर मन, फिर प्राण, और अब तन। तन की पवित्रता अत्यंत अनिवार्य है। शौचाचार का ज्ञान जिनको नहीं है
उनकी भजन वृत्ति नहीं चलेगी। आप देख लीजिए, लघु शंका जाइए, बहुत सावधानी से लघु शंका होकर जलेंद्री का प्रक्षालन करके हाथ को एक दो बार तो रज जरूर लगाओ। भले तुम आप साबुन आदि लगाते हो तो रज जरूर, रज के बिना पवित्रता नहीं मानी जाती। और फिर आचमन करें, तीन बार आचमन करें, फिर मंत्र जपना शुरू करें। कभी खाली ना रहे तो जब लघु शंका जाए तब जल का प्रयोग जरूर करें। शौच जाए तो उतने ही वस्त्र पहन कर जाए जितने प्रक्षालन धो सको, और पवित्र वस्त्र धारण करो। सादे वस्त्र आचरण सीधे, जीवन आडंबर से ही, आवश्यकता अभाव विरहित, सदा दीन सेवा में लीन। सादे वस्त्र, शौचाचार का पूर्ण ज्ञान, आचरण बहुत पवित्र आचरण, सरल सीधा स्वभाव, पवित्र आचरण, आडंबर से ही, कोई भी बनावटी पना नहीं होना चाहिए। ऊपर वर्णन आया कि कोई इस प्रेम मार्ग का पथिक आडंबर न करे, आडंबर सखी भाव या गोपी भाव का नाटक न करे, दिखावा न करे, जो इधर उधर श्रृंगार करके हम अपने को जनाए कि हम गोपी हैं या सहचरी, आडंबर है। गोपी या सहचरी देह भाव छूट जाने पर प्राप्त होता है, ये देहातीत भाव है, देह का श्रृंगार गोपी नहीं है, ये देह का श्रृंगार सहचरी नहीं है। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललिता दिक के भाए, देह शुद्धि का विस्मरण हो, बता रहे हैं ना, पूर्व की स्मृति ना भविष्य का को, बीते हुए ना भूत की स्मृति ना भविष्य की स्मृति, वर्तमान में भी मैं स्मरण कर रहा हूं ऐसी स्मृति नहीं, केवल अखंड स्मृति। ये बाहरी आडंबर नहीं होना चाहिए, मना किया है ऊपर। जीव अपने वास्तविक लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है जब बाहरी आडंबर करके दूसरों को रिझाने की चेष्टा करने लगता है। इष्ट को रिझाने के लिए देह भाव विस्मृत होना है, देह को सजाना नहीं है। सादा शुद्ध सुभोजन सात्विक, करे स्वाद का तजकर राग। बहुत सात्विक भोजन, वैसे ही सात्विक वस्त्र। आडंबर से हीन चरित्रवान उपासक, आवश्यकता अभाव विरहित, जैसे मुझे प्रभु रख रहे, मैं राजी हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, ना परिस्थिति बदलने की ना स्थिति बदलने की। जैसे मुझे प्रभु रख रहे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, मुझे संतोष है जैसे रख रहे हैं, बहुत अच्छा है। हमें किसी से कोई मांग नहीं, हमें कोई चाह नहीं, हमें कोई परिवर्तन परिवर्धन की चाह नहीं, ये परिवर्तित हो जाए, ये बढ़ जाए, नहीं। और रात दिन तन को सेवा में लें, सेवा से बहुत जल्दी पवित्र होता है शरीर। माता पिता की सेवा, बूढ़े बूढ़ों की सेवा, रोगी की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, किसी की सेवा, भगवान की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, किसी की भी भगवत भाव से सेवा की जाए तो शरीर बहुत जल्दी पवित्र होता है। शौचाचार का ज्ञान, पवित्र वस्त्र, आडंबरहीन दिखावाहीन जीवन, कोई आवश्यकता नहीं, जैसे प्रभु रख रहे हैं उसी में राजी, और दीन भाव से सेवा। विषयी संसारी लोगों का संग छोड़ सेवे सत्संग, जिनके साथ बैठने से, जिनके व्यवहार से हमारे अंदर निष्कामता आवे, नहीं चाहिए मुझे भोग, नहीं चाहिए मुझे संसार का सुख, परिणाम देखा जाता है, परिणाम। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग का परिणाम क्या होता है? खाओ पियो हंसो खेलो बैठो, और उसका परिणाम होगा कि आपके हृदय में आने लगेगा, मुझे नहीं चाहिए भोग, मुझे नहीं चाहिए संसार का सुख, मुझे प्रभु चाहिए, मैं सत्य से चलना चाहता हूं, मैं धर्म से चलना चाहता हूं, मैं जितेंद्रियता से चलना, ये आने लगेगा, ये संग का प्रभाव। और बहुत मीठी मीठी बनावटी बातें, बाहर दिखावा आडंबर, तो संग से आपके अंदर भोग वासना बढ़ेगी, संग से आपके अंदर संसार प्रीता बढ़ेगी, संग से आपके अंदर वस्तु व्यक्ति स्थान का राग जागृत हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं विषयी संसारी लोगों का संग छोड़ सेवे सत्संग, व्यर्थ अनर्थ कार्य सब इंद्री मन के तज कर रहे असंग। साधु संग करे, विषयी
कुसंग का त्याग कर दे और व्यर्थ कार्य कभी न करे। कबहू काल व्यर्था नहीं जाए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नाम जप चल रहा है, गुण कीर्तन चल रहा है, सेवा चल रही है, साधु संग, भक्त चरित्र, भक्त नाम, अन्यथा हमारा समय व्यर्थ माना जाएगा। हम सेवा करें, किसी की भी सेवा का अवसर मिले। जगत में सबके हृदय में भगवान है, पर हमारा भगवत भाव हो और नाम जप चल रहा हो। व्यर्थ कार्य नहीं होने चाहिए। और अनर्थ, ये जितने पापाचरण है ये सब अनर्थ तुम्हारा नाश कर देंगे, तुम्हारी शांति का, तुम्हारे सुख का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे विचारों का नाश कर देंगे। ये अनर्थकारी चेष्टाएं कभी ना करें। ये इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए भागती रहती, इनको रोको, इनको नाम बल से रोका जा सकता है। कल जैसे चर्चा कर रहे थे, ज्ञान सबको है लेकिन अपने ज्ञान का प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ आती है नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतना ही सामर्थ्य आपके अंदर आएगी, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। कुछ लोग कहते भी हैं कि इनको तो हर प्रश्न का जब उत्तर देंगे कहेंगे नाम जप करो। इसलिए कहते हैं कि चाहे जितनी बढ़िया बाजार हो, घूम जाओ पूरी बाजार में, अगर कोई चीज लेनी है तो आपके पास रुपया चाहिए, रुपया बाजार में घूम जाओ, रुपया चाहिए, रुपया है तो उसके अनुसार सामान ले लोगे। ऐसे ही ये साफ शास्त्र हैं, सिद्धियां, ये वो जो चाहिए। अब जब चाहिए तो तुम्हारे पास धन होना चाहिए। वहां ये रुपया धन काम नहीं करता, वहां नाम धन काम करता। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जितना जपा जो चाहिए खरीद लो। अगर कुछ और नहीं खरीदोगे तो हरि को खरीद लोगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इसीलिए सब प्रश्नों का समाधान बताते बताते अंत में यही कि नाम जप करो, क्योंकि नाम जप के द्वारा अमंगलों का नाश होगा, सुख की प्राप्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा, अविद्या का नाश होगा, महामंगल हो जाएगा। तो व्यर्थ अनर्थ कार्य सब इंद्री मन के तज कर रहे असंग, ये असंगता के लिए नाम जप जरूरी है। बिना नाम बल के आप असंग नहीं रह सकते। जो मन चाहेगा करवा लेगा, जो इंद्रियां चाहेंगी करवा लेंगी। और भजन उत्साह सदा, जैसे एक गरीब आदमी को रुपया कमाने का उत्साह होता है कि अगर हम दो घंटे और कर लेंगे तो इतना रुपया हमको मिल जाएगा, ऐसे भजनोत्साह होना चाहिए। उपासक के अंदर जब भजन का उत्साह जगता है तो रात्रि में नींद नहीं आती। थोड़ी देर एक मूर्छा से आई, उठ के बैठ, कितना, अभी तो 11 बजे है, नहीं घड़ी बंद हो गई होगी, हम तो आराम से सो चुके हैं। तो बैठ के भजन चल रहा, सब सो रहे हैं, वो जग कर भजन, दो घंटे में आया, पूरा 24 घंटे का विश्राम हो गया। नाम जप कर, नाम से विश्राम की प्राप्ति हो रही। भजनोत्साह सदा, देखो अपने अंदर कहां भजन के लिए इतनी प्रियता है। रात्रि में जो भजन होता है बहुत जोर का आनंद मिलता है, एकदम शांत वातावरण, और एक खुमारी चढ़ी रहती, उसी में चल रहा है मंत्र। बाह्य चेतना शून्य, अंदर से मंत्र चल रहा, केवल सुनते रहो, चाहे लेटे हो चाहे बैठे हो। पर यह स्थिति बहुत अभ्यास के अंतर्गत होगी, नहीं तो बैठे बैठे भी सो जाओगे, लेटने में तो फिर क्या है। आप देखो शवासन में लेट करके कितनी जल्दी समाधि में चले जाते हो, नींद में पहुंच जाओगे। नाम का अभ्यास, ऐसा नाम की खुमारी की चाहे लेटे चाहे बैठे, बस वो चल रहा है। भजनोत्साह सदा, और भगवत अस्तित्व कृपा में दृढ़ विश्वास। प्रभु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। नाम जब चल रहा है इसलिए प्रभु हमारे साथ में, भले हमें दिखाई न दे रहे हो। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, बस नाम है तो प्रभु हमारे साथ है, हमें चिंता नहीं करनी। इसलिए सदैव नाम जप करते हुए रसिक महापुरुषों के बताए हुए उपासना मार्ग से अपने चित्त को प्रियाजू के चरण की प्रधानता रखते हुए जुगल सेवा में तन्मय रखे, बहुत दुर्लभ वस्तु अद्भुत निकुंज विहार रस की प्राप्ति होगी। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जन वांछित पद है वो प्रियालाल की सेवा का पद प्राप्त होगा। धैर्य पूर्वक सुने न काहू की कही और कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार,
बस अपनी कुंवरी किशोरी को जीत निहार निहार श्री राधा वल्लभ लाल की जय।